नमस्कार बच्चों, मैं मीरू मेघवाल शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महमरा जिला दुर्ग से SCERT रायपुर द्वारा संचालित इस राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 8 पाठ 13 विजय बेला, जो कि एक एकांकी है जिसे कि श्री जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, क्या आपने ये पाठ पहले पढ़ा है? क्या आप पढ़ चुके हैं? तो बच्चों, ये जो एकांकी है, वह जो एकांकी है 80 साल का वह योद्धा जिसने अपना जो है बांह है उसे काटकर गंगा में अर्पित कर दिया, इसके बारे में हम इस एकांकी में जानेंगे। आइए बच्चों, आगे चलते हैं। विजय बेला, जिसे कि श्री जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, 1857 के विस्मयकारी नायक, वीर सेनानी कुंवर सिंह जैसे महापुरुष जो है शताब्दियों के बाद जो है इस धरती पर भूतल पर आते हैं और जो है हम सबके बीच मानवता की जो है एक ज्योति जलाकर विश्व में को जो है सब तरफ से आलोकित कर देते हैं। तो आज हम ऐसे ही विस्मयकारी नायक के बारे में हम इस एकांकी में जानेंगे। 1857 की क्रांति भारतवासियों में एक आत्मबल का संचार करता है और उन्हें यह एहसास होता है कि वे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है आवाज उठाने में समर्थ हैं। यह आत्मबल जो है, जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि यह जो एकांकी है वह 80 साल के जो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी बांह काटकर जो है गंगा में अर्पित कर दिया है, उनके बारे में है। तो यह आत्मबल जो है 80 वर्ष के सेनानी वीर कुंवर सिंह के पराक्रम और जो उनकी कथा है उस रूप को इसमें जो है एकांकी में वर्णित किया गया है, जो कि अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके एक बांह में जब गोली लग गई और वे युद्ध अंत तक अंतिम सांस तक जो है युद्ध करते रहे और अंत में बहुत अधिक पीड़ा होने के कारण अपने घायल बांह को स्वयं काटकर जो है गंगा जी को भेंट चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। यह जो कथन है वह रैयत मल्ला किसान ये जो है इन्हीं के द्वारा दी गई वे शक्ति है जिसके बल पर कुंवर सिंह जो है भोजपुर का राजा बने और जन के प्रति मतलब लोगों के प्रति जो है कुंवर सिंह के जो भाव है ने जो भाव है उसको यहाँ पर व्यक्त करती है। ऐतिहासिक एकांकिका श्री जगदीश चंद्र माथुर ने कुंवर सिंह के इन्हीं रूप को इसमें इस एकांकी में उनकी जो छवि है उसको इस एकांकी में प्रस्तुत किया है। आइए बच्चों, एकांकी में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले पात्र परिचय देख लेते हैं। सबसे पहला है कुंवर सिंह, 1857 के क्रांति के सेनानी 80 वर्षीय पराक्रमी योद्धा। बिहार में जगदीशपुर के महाराज कुंवर सिंह ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व इन्होंने किया था। उन्हें किसान मल्लाहों ग्वालों और पूरी जनता का जो है वहां पर समर्थन प्राप्त था और वे अत्यंत पराक्रमी और युद्ध कुशल सेनानी थे। कुंवर सिंह का नाम जो है उस समय बच्चे बच्चे की जबान पर था। अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के छोटे भाई थे और अमर सिंह जो है अपने बड़े भाई कुंवर सिंह को दादा कहकर संबोधित करते थे और वे कुंवर सिंह की जो वीरता है और उसके जो शौर्य है उसके पराक्रम को देखकर दंग रह जाते हैं और कुंवर सिंह के बाद जगदीशपुर के नए महाराज के रूप में जो है अमर सिंह का राज तिलक किया गया। अगला है बच्चों हरे किशुन सिंह, कुंवर सिंह के सबसे वफादार साथियों में से एक थे और जगदीशपुर के शुभ चिंतक। कुंवर सिंह के हर अच्छे और बुरे समय में वे उनका साथ देते थे। नाथू सरदार, शिवापुर घाट पर मल्लाहों के सरदार फिरंगियों से युद्ध करने में कुंवर सिंह का
सहयोग इन्होंने किया था नाथू सरदार ने। भीमा, भीमा एक मल्लाह है और नाव को किनारे तक लाने में भीमा मल्लाह ने बहुत अधिक वहां पर बहुत बड़ी उन्होंने मशक्कत की थी। मैकू, दूसरा मल्लाह, नावों को गोलियों की बौछार से उन्होंने बचाया था। अगले हैं पुरोहित जी, कुंवर सिंह के राज पुरोहित। कुंवर सिंह और अमर सिंह के शौर्य और उनके प्रताप को देखकर वो हमेशा प्रसन्न होते हैं। और अगला है विश्वनाथ सिंह, अमर सिंह का हरकारा। हरकारा मतलब बच्चों यहाँ पर संदेश वाहक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय बेला, जो कि एक एकांकी है जिसे कि श्री जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर बच्चों हम इस एकांकी का सारांश देख रहे हैं संक्षिप्त में, और पूरा जो एकांकी है वह अपने पाठ्य पुस्तक से आप सभी इसे अध्ययन करेंगे अपने घर पर। गंगा तट पर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी जो है अचानक से गोलियों की आवाज आती है। बच्चों आप बता सकते हैं कि गोलियों की आवाज कैसी आती है? सोच कर रखिएगा कि जब गोलियां अचानक से चलने लगती है तो उसकी आवाज कैसी आती है। तब गोलियों की जो आवाज है उसे सभी जो है सुनकर सचेत हो जाते हैं और नदी की ओर सभी देखते हैं। तभी उन्हें वहां पर क्या दिखाई देता है? तभी उन्हें वहां पर महाराज की नाव दिखती है। अब वहां पर जो है भीमा मल्ला अपने कमर में रस्सी बांधकर नदी में जाते हैं और अपनी कमर की रस्सी को खोलकर नाव में बांध देते हैं। क्यों बांध दिया उन्होंने नाव में उस रस्सी को? ताकि वो उस नाव को खींच सके। तथा जो है नाव को रस्सी के सहारे धीरे धीरे खींचकर रस्सी के द्वारा ही उस नाव को क्या किया जाता है? किनारे पर लाया जाता है। और जब नाव पास में आती है तो महाराज की जो बांह है, भुजा, जो है अंग्रेजों द्वारा चलाई गई जो गोली उनको लगी थी और वे उसके कारण बहुत ज्यादा ही घायल दिखाई दे रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और वहां पर जब उन्होंने देखा कि जो महाराज है वह बहुत ही घायल दिखाई दे रहे हैं, तब उसी समय एक अश्वारोही घोड़े पर एक सवार संदेशवाहक, अश्वारोही संदेशवाहक जिसका नाम था विश्वनाथ, वो वहां पर आ जाते हैं। अब जो है विश्वनाथ जगदीशपुर से जो है महाराज कुंवर सिंह के भाई, उनके भाई का क्या नाम था? अमर सिंह। तो अमर सिंह का संदेशा जो है वह लेकर आया था हरकारा, लेकिन महाराज की उस घायल स्थिति को और उनकी पीड़ा और दर्द को उसने देखा और उसे जानकर उन्होंने जो संदेशे की जो बात थी उसको उन्होंने नहीं बताई, जिसके कारण से महाराज कुंवर सिंह जो है बाद में विश्वनाथ पर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं और उन पर अत्यंत नाराजगी व्यक्त करते हैं। घायल होते हुए भी जो है वे फिरंगियों से बदला लेना चाहते हैं, पर बांह में गोली लगी होने के कारण वे अपनी बांह को क्या कर देते हैं? काट कर गंगा नदी में अर्पित कर देते हैं। तो यह एक उनकी जो है गंगा जी को क्या थी? एक अनोखी भेंट होती है गंगा नदी को। किसको? गंगा नदी को। तो अत्यधिक बीमार होते हुए भी जो है वे फिरंगियों से बदला लेने के लिए हमेशा क्या होते हैं? अपने देश की रक्षा के लिए बेताब होते हैं, और वे घायल होते भी अपने कार्य में वो आगे बढ़ते जाते हैं और वे आगे जगदीशपुर की ओर चले जाते हैं। अपनी कटी हुई भुजा, घायल शरीर और ना ही आंखों में नींद, ना ही कोई आराम, है ना, वहां पर वो जो आराम है उसको क्या हो गया था? वहां पर हराम था वहां पर, क्योंकि उन्हें तो क्या करना था? अपने कार्य क्षेत्र में, रणभूमि में आगे बढ़ना था। तो इस तरह से भी आगे बढ़ते हुए फिरंगियों से जो है घमासान लगातार वो युद्ध करते हैं। इस प्रकार से सैकड़ों गोरे सिपाहियों को जो है कुंवर सिंह मौत के घाट उतार देते हैं और उनका उस युद्ध में उनका जो पराक्रम है, उनका जो शौर्य है, प्रताप है, वहां वहां पर जो है वो देखते ही बनता था कि किस प्रकार से वो गोरे सिपाहियों को जो है घायल करते जा रहे थे, मौत के घाट उतारते जा रहे थे। तो महाराज की यह सबसे बड़ी विजय थी वहां पर, और जगदीशपुर के महल पर
उन्होंने क्या कर दिया, कंपनियों के जो झंडे लगे हुए थे उसके स्थान पर उन्होंने क्या कर दिया, वहां पर भारतीय झंडा दिखा दिया था। अब जो है कुंवर सिंह के अनुसार उन्होंने बताया कि युद्ध एक क्या है, हुनर है, एक कला है। आंख बंद कर युद्ध करना युद्ध नीति बिल्कुल भी नहीं होती है। असली जो युद्ध नीति या असली हुनर वही है युद्ध का, जब आप जो है सतरंगी चालों में मात पर मात दिया जाए सामने वाले को, अर्थात सोच समझकर युद्ध करना ही क्या होता है, युद्ध की असली नीति है, युद्ध की असली कला होती है। साथ ही कुंवर सिंह ने जो गरीब व्यक्ति है, रैयत है, मल्लाह है, किसान है और जो ग्वाले थे को उन्होंने अपनी शक्ति बताई है, ठीक है, क्योंकि इनके बल पर ही क्या है, उन्होंने क्या किया था वहां पर, वो महाराज राजा बने हुए थे और जिनके बल पर ही वे जो है भोजपुर के राजा बने। वे किसानों के प्रति और मल्लाहों ग्वालों के प्रति भी उनका जो मान है वो देखते ही बनता था। कुंवर सिंह के अंदर गरीबों पर जो है अत्याचार करने वाले विदेशियों के प्रति जो है एकदम से प्रतिशोध बदला लेने का उन पर नशा छाया हुआ था, क्योंकि वो किसी भी गरीब व्यक्ति, रैयत, जो किसान है, ग्वाले हैं, उन पर जो है वो उनको शोषित होते हुए नहीं देख सकते थे और वे उनके अत्याचार का जो है बदला लेना चाहते थे। अस्वस्थ व घायल होने के कारण जो है कुंवर सिंह का नाम जो है ना, जो दीपक के रूप में वो छाए हुए थे, वो 26 अप्रैल 1858 को जो है इस प्रकार से सदा सदा के लिए बुझ गए। और इस तरह से प्रजा प्रेम के कारण, उसके स्नेह के कारण, लगाव के कारण ही राजा होने के बाद भी अपने राज्य की जो है दलित जनता के लिए वे जो है ईश्वर के समान सम्मानी व पूजनी थे। तो 1857 की जो क्रांति के जो महान योद्धा वीर कुंवर सिंह, जिन्हें की 80 साल के वो योद्धा जिन्होंने सैकड़ों बार अंग्रेजों को धूल चटाई और उन्होंने अपने देश के लिए घायल होते हुए भी, पीड़ा सहते हुए उन्होंने निरंतर युद्ध किया और अंतिम सांस तक लड़ते रहे। और इस तरह से उन्होंने गंगा जी को अपनी बांह काटकर एक अपनी बांह को उन्होंने अर्पित भी कर दिया। तो इस तरह से 1857 के विस्मयकारी नायक, वीर सेनानी कुंवर सिंह जैसे जो महापुरुष हैं, वो शताब्दियों के बाद भी जो है इस धरती पर आते हैं और मानवता की ज्योति जो है वो पूरे विश्व में चारों ओर क्या करते हैं, आलोकित करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो है कुंवर सिंह का जो मन है, बचपन में पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता था, बल्कि उनको पढ़ने लिखने के स्थान पर जो है तीर चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और शिकार करने में ही उसे मजा आता था और वो उसमें ही अपना जो सारा समय है उसको व्यतीत करते थे। और इस प्रकार से बच्चों हमने इस एकांकी के माध्यम से यह भी जाना कि आगे चलकर ये यशस्वी योद्धा सिद्ध हुए कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो है एक कुशल सेनानी तो और एक नायक तो थे ही, और इनको जो है 80 साल की उम्र में भी लड़ने वाले एक योद्धा के रूप में, विजय हासिल करने वाले के नाम से जाना जाता है। और जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुंवर सिंह की जो भूमिका थी वो क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो बच्चों इस तरह से ये एक संक्षिप्त में आपको इस एकांकी को यहाँ पर बताया गया है। आप इसे घर पे इस एकांकी को पूर्ण रूप से आप स्वयं से अध्ययन करेंगे और आप अपने स्कूल में या जहाँ भी आपकी मोहल्ला क्लास लग रही होगी वहाँ पर आप विषय शिक्षक के साथ इस एकांकी का आप वहाँ पर बच्चों के साथ समूह में अभिनय करेंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों इस एकांकी को जब अध्ययन करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अर्थ आपको जानना आवश्यक है ताकि आप इस एकांकी को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो इसे हम देख लेते हैं। फिरंगी, फिरंगी किसे कहेंगे, गोरा या श्वेत। चकाचौंध, जगमगाहट। कुछ कुछ किसे कहेंगे, प्रस्थान करना। दांव, चाल। प्रशंसा, तारीफ। और पार,
किनारा। इसी तरह से बौछार, फुहारा। अगला है शाबाशी। शाबाशी किसे कहेंगे हम? प्रशंसा, वाहवाही। जब आप कक्षा में आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं अपनी शाला में, तब आपको आपके शिक्षक के द्वारा प्रशंसा मिलती है, आपको शाबाशी दी जाती है, किम कर्तव्य विमूढ, मतलब दुविधा या असमंजस। इसी प्रकार से पद ध्वनि किसे कहेंगे? पद ध्वनि बच्चों, जो चलने पर पैरों से जो होने वाली आवाज है, जो आवाज आती है चलने पर, उसे ही हम क्या कहेंगे? पद ध्वनि। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं 1857 की इस क्रांति में और भी जो क्रांतिकारी थे उनका एक अहम योगदान रहा, उससे भी हम मिलते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले लिया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसके बारे में आपने सुना भी होगा पहले। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उनके दत्तक पुत्र को जो है झांसी का राजा मानने से अंग्रेजी सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया था, और अंग्रेजों के इस फैसले को झांसी की रानी ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। और अंग्रेजों के फैसले का रानी के द्वारा अस्वीकार करने के कारण जो है अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया था। तब रानी ने दृढ़ता से जो है अंग्रेजों का मुकाबला किया, और उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को, जो आप चित्र में भी देख रहे होंगे, उसको पीठ पर बांधकर वह जो है अंग्रेजों से क्या करती रही? युद्ध करती रही। अगले हैं बहादुर शाह जफर। क्रांतिकारियों ने जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो है क्रांति का वहां पर उन्होंने संचालन किया, और सारे क्रांतिकारियों ने जो है बहादुर शाह जफर को निर्विवाद रूप से जो है विद्रोह का नेता स्वीकार किया था। लेकिन यह विद्रोह जो है असफल रहा, और इस विद्रोह के बाद जो है उनको बंदी बना लिया गया था और उन्हें जो है गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। मौलवी अहदुल्ला। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने भी 1857 के विद्रोह में जो है महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, उनका भी बड़ा योगदान रहा, और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सशस्त्र विद्रोह की उन्होंने एक योजना बनाई थी। जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा किया तो मौलवी अहमदुल्ला रोहिलखंड का एक नेतृत्व करने लगे उस क्षेत्र का, और यही पोएन के राजा ने मौलवी की यहां पर जो है हत्या कर दी थी। नाना साहब। कानपुर में विद्रोह का संचालन नाना साहब के नेतृत्व में हुआ। तात्या टोपे और अजीमुल्ला के सहयोग से जो है नाना साहब ने अंग्रेजों से कई युद्ध किए, और दृढ़ता पूर्वक अंग्रेजों का उन्होंने वहां पर मुकाबला भी किया, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने नाना साहब के जो जितने भी ठिकाने थे वहां पर उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। बेगम हजरत महल। अवध की क्रांति का जो संचालन है बेगम हजरत महल ने किया, और बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को अनेक स्थानों से हटाया, और अंततः अंत में अंग्रेजों को लखनऊ की जो रेसिडेंसी में शपथ लेने के लिए उन्होंने वहां पर बाध्य कर दिया। कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो कि विद्रोह कर रहे कुछ क्रांतिकारियों ने आरा पहुंचकर जो है कुंवर सिंह को विद्रोह का दायित्व संभालने को कहा। कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उन्होंने इस विद्रोह का संचालन करने का निर्णय लिया, और उन्होंने अंग्रेजों को जगदीशपुर, आरा आदि जगहों पर हराया, और 1858 में जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं बोध प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस एकांकी की जो घटना है वह किस समय की है? बताइए बच्चों, किस समय की है यह जो एकांकी है वह किस समय की है? इस एकांकी की जो घटना है वह सन 1857 का है, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय की है। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने अपनी बांह काटकर गंगा जी में क्यों अर्पित कर दी? बताइए कि कुंवर सिंह ने
जो है अपनी बांह काटकर गंगा जी को अर्पित कर दिया था। क्यों कर दिया था बताइए? क्योंकि कुंवर सिंह की बांह पर क्या लगी थी? अंग्रेजों की गोली लगी थी, जिसके कारण उसका जो पूरा जहर है वो पूरे शरीर पर फैलता जा रहा था। क्योंकि फिरंगी की गोली से उनका जो शरीर है वो क्या हो गया था, उनको लग रहा था कि मेरा शरीर जो है अपवित्र हो गया था, है ना, ऐसा उनको लग रहा था। इसलिए कुंवर सिंह ने अपनी बांह काटकर गंगा जी को अर्पित करना, अपने शरीर को अर्पित करके अपने शरीर को पवित्र करना चाहते थे। अगला है, कुंवर सिंह ने वह कौन सी शक्ति बताई जिसके बल पर वे भोजपुर के राजा थे? बताइए बच्चों, अभी हमने इसकी बात की थी कि कुंवर सिंह की शक्ति क्या थी जिसके बल पर वो भोजपुर के राजा बने थे, बताइए। कुंवर सिंह ने भोजपुर के गरीब रैयत, किसानों, मल्लाहों, ग्वालों को जो है अपनी शक्ति बताया जिसके बल पर ही वे भोजपुर के राजा थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपनी बांह काटकर गंगा जी में क्यों अर्पित कर दी? ठीक है बच्चों, इसका जो उत्तर है अभी हमने पूर्व में भी आपको बताया है, बताइएगा क्यों अर्पित कर दी, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिएगा, और इसे आप जरूर बताइएगा कि पाठ में जो है कुछ ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे बच्चों आप सभी जानते हैं कि पानी पे जब हम चलते हैं तो कैसे आवाज आती है, छप छप की आवाज आती है। जब हम अपने पैरों से कूदते हैं पानी पर, बरसात के दिनों में आप भी कूदते होंगे, तब उसे जब जो ध्वनि आती है वो कैसी आती है? छप छप आती है, ठीक है। जब घड़ी बजती है, ठीक है, तो कैसे आवाज आता है? जब बहुत शांत हो जाता है रात में तो घड़ी की आवाज कैसे आती है? टिक 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 आती है आवाज, ठीक है। इसी तरह से बच्चों बताइए कि घंटी की, जब घंटी बजाते हैं स्कूलों में, कभी कभी घंटी बजाते होंगे तो आपने सुना होगा कि उसकी ध्वनि कैसी आती है, बताइए। उस घंटी की जो ध्वनि है वो कैसे आती है, सुना है आपने? सुना है घंटी की आवाज, सुनी है आप सभी ने? तो जो घंटी की आवाज है वो कैसी आती है? टन टन टन, आप सभी ने सुना होगा और आपने बजाकर देखा भी होगा, क्योंकि आपको मजा भी आता है उसकी ध्वनि सुनने में। सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के अगर हम आपस में रख लेते हैं तो वो भी खन खन की आवाज करती है, ठीक है। जो घुंघरू है वो छम छम की आवाज करती है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है तेज हवा का प्रवाह, जब तेज हवा चलता है तो कैसी ध्वनि आती है, जब नदी की धारा बहती है तब किस तरह का ध्वनि आता है, पैरों की ध्वनि, खाली हवेली है या कोई घर है जहाँ कोई भी नहीं रहता है तो वहां पर किस प्रकार का ध्वनि आता है, आग की लपटे हैं आती है तब वहां पर किस तरह का ध्वनि आता है, सुनाई देता है आपको। कोई रास्ता अगर अंधेरा है वहां पर और बिल्कुल सुनसान है, सूना है, तो वहां पर किस तरह की ध्वनि आती है, इसको बताइएगा, सोचिएगा, सभी सोचिए कि इसमें किस तरह की ध्वनियाँ आती है, जल्दी से सोचिएगा। सोच लिया आप सभी ने? सोच रहे हैं आप सभी? चलिए देखते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या कहीं पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। उसे हम देख लेते हैं कि तेज हवा का जब प्रवाह आता है, तेज हवा चलती है तो साय साय की आवाज आती है, नदी की धारा जब बहती है तो कलकल की आवाज आती है, पैरों की ध्वनि से थप थप, खाली कोई हवेली या महल या घर होता है तो वहां भी साय साय की आवाज आती है ना, और आग की जब लपटे आती है तो धू धू की ध्वनि आती है यहाँ पर, और कोई अंधेरा सूना रास्ता हो, सुनसान जगह हो, तो वहां पर हमें सन सन ऐसा ध्वनि हमें महसूस होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, शौर्य, नालायक, अक्सर, बिछड़ना, कभी कभी, कायरता, लायक, मिलना। तो ये शब्द कहीं ना कहीं हमें कुछ तो ऐसा लग रहा होगा कि ये एक दूसरे से क्या है, किस तरह के शब्द लग रहे हैं आपको, कहीं पर लग रहा है कि ये एक दूसरे से क्या है, कुछ शब्द एक दूसरे के क्या लग रहे हैं हमको, लग रहा है नालायक, तो कोई एक ऐसा कुछ शब्द हमको लग रहा है जो इसके क्या हो, विपरीत हो, इसका विलोम हो, इसके विरुद्ध हो, क्या हमको लग रहा है? तो हम
अक्सर देख रहे होंगे आप, उसका कोई विलोम आपको लग रहा है, उसके विरुद्ध कोई ऐसा शब्द आपको लग रहा है इसमें? शौर्य, बिछड़ना, इसके विलोम में कोई शब्द आपको लग रहा है? तो इसे हम किस तरह के शब्द कहेंगे, किस तरह के शब्द कहेंगे इसे हम? इसे हम कहेंगे विलोम शब्द। तो किसी भी, आपने देखा कि जो भी वहां शब्द दिए हुए हैं वो एक दूसरे के विलोम थे कहीं ना कहीं, ठीक है? तो किसी शब्द का विपरीत, उल्टा अथवा जो विरोधी अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो देखिएगा अक्सर, तो इसका विलोम क्या होगा? कभी कभी। इसी प्रकार से है नालायक, नालायक का क्या होगा? जो लायक है। बिछड़ना, बिछड़ना का क्या होगा? मिलना, और मिलना का विलोम शब्द क्या होगा? बिछड़ना। इसी प्रकार से शौर्य, शौर्य का क्या होगा विलोम शब्द? कायरता, और कायरता का विलोम होगा शौर्य, ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द की ओर आते हैं। तो वे शब्द जिनके अर्थ में जो है समानता होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसा हम पहले ले रहे हैं लिबास, तो लिबास को हम और क्या कहेंगे? पहनावा। और किस नाम से जानेंगे? परिधान, पोशाक। इसके अलावा भी और भी उसके और भी अन्य शब्द हैं जिसे कि मैंने आप के लिए छोड़ा हुआ है, उसे आप आगे बनाएंगे। दो जगह मैंने छोड़ा हुआ है, वो आपके लिए है, ठीक है? तीन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसका पर्यायवाची, पहनावा, परिधान और पोशाक, दो आपको बनाना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। हुनर, तो हुनर का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर? उसे हम कला भी कहेंगे, गुण, कारीगरी। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं जिसे कि आप उसे ढूंढकर लिखिएगा। अगला है अपवित्र, तो अपवित्र के लिए और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? मलिन, गंदा या दूषित। इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं जिसे आपको स्वयं से ढूंढकर लिखना है। अमृत, अमृत के लिए पर्यायवाची शब्द है सुधा, पीयूष और अमी। इसके अलावा और भी जो शब्द है उसे कहीं ना कहीं आपको अन्य पाठों में भी इसके पर्यायवाची शब्द आपको देखने के लिए मिला होगा, तो उसे ढूंढकर आपको इसमें लिखना है। अगला है अर्पित, तो अर्पित का पर्यायवाची है समर्पित, न्यौछावर। इसके अलावा और भी जो शब्द है उसे आपको स्वयं से ढूंढकर लिखना है। इसी तरह से है भेंट, तो भेंट का होगा उपहार और सौगात। इसके अलावा और भी जो पर्यायवाची शब्द है, आपने किसी कविता या कहानी में भी आपने दूसरे पाठों में पढ़ा हुआ है, उसे ढूंढकर आप याद करके यहाँ पर स्वयं से लिखिएगा। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं गृह कार्य की ओर। आपके लिए यहाँ पर गृह कार्य है। पहला है कि अमर सिंह और कुंवर सिंह जो हैं दो भाई हैं, आपने इस एकांकी में देखा। और यहाँ पर तो आपको इसी तरह से भाइयों के संबंध पर आधारित कुछ और भी जो कहानियां हैं उसे आपको ढूंढना है, खोजना है और उसे लिखना है, और उसे अपने साथियों के साथ, अपने शिक्षक के साथ, अपने माता पिता के साथ, उनके संबंधों के बारे में आपको क्या करना है? आपको चर्चा करना है। इसी तरह से जो है अगला जो गृह कार्य है वह है कि छत्तीसगढ़ में जो है 1857 के संग्राम के नायक वी नारायण सिंह थे, तो इसके वी नारायण सिंह के बारे में आपको क्या करना है? जानकारी एकत्र करना है और फिर उसको आपको कक्षा में सभी बच्चों के बीच आपको सुनाना है। अगला है इस एकांकी को पढ़ते समय आपको इस एकांकी में कौन सा जो पात्र है वो आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसे आपको स्वयं से अपने शब्दों में आपको लिखना है और बताना है। जैसा कि आपने देखा होगा इस एकांकी में कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरि किशुन सिंह, नाथू सरदार, भीमा, मैकू, पुरोहित जी और विश्वनाथ सिंह, ये इस एकांकी के पात्र थे। तो इनमें से कौन सा जो पात्र है आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है उसके बारे में आपको इस एकांकी को पढ़कर आपको लिखना है और बताना है। तो बच्चों हमारा जो ये एकांकी था विजय बेला, आप सभी ने जो है
कुंवर सिंह के बारे में जाना, उसके शौर्य और उसके प्रताप के बारे में जाना कि किस तरह से घायल अवस्था में उसकी बांह में गोली लगने के बावजूद भी वो अंत तक जो है इस युद्ध में अंत तक डटे रहे और उसे अपवित्र मानकर अत्यधिक पीड़ा होने के बाद उन्होंने अपनी बांह को अंग्रेजों के द्वारा गोली लगने के कारण अपवित्र मानकर उन्होंने उसे जो है गंगा जी को किस तरह से उन्होंने उसको अर्पित कर दिया। तो बच्चों हमें जो है कुंवर सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी हमें अपने देश अपने राष्ट्र की अपने भारत माता की रक्षा करने का अवसर मिले, ऐसा कोई कार्य करने का हम कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमें वहाँ पर सबसे आगे होना चाहिए और हमें अपना जो उत्तरदायित्व है इस देश के प्रति इस राष्ट्र के प्रति उसे अच्छी तरह से हमें अंत तक उसका जो है निर्वहन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सभी को यह जो एकांकी है वह समझ में आया होगा और इसे आप इससे जो भी प्रेरणा आपको मिली होगी उसे आप अपने जीवन में उसे जरूर उतारेंगे और इस तरह के अच्छे कार्य आप अपने जीवन में करेंगे। धन्यवाद।